खा के देखते हैं। अच्छा बात नहीं है। वाह, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और मजा भी आ गया दोस्तों। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना दोस्तों। देख सकते हैं बिल्कुल चाशनी, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल जूसी है, देख सकते हैं इसमें चाशनी भी अभी निकल भी रही है। अरे कहना क्या चाहते हो, अंदर भी इसके देखते हैं मटेरियल क्या। मटेरियल क्या का डला हुआ है। हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम चल रहे हैं अपने भदोही ज़िले के फेमस दुकान, और जो कि बच्चों की और बड़ों की सबकी पसंद है, बहुत ही फेमस है, वायरल पे है और काफ़ी दिनों से मतलब इनकी दुकान बहुत पुरानी है। और आज मैं इसी दुकान पे ले चल रहा हूँ जो कि वहाँ का बहुत फेमस ही स्वाद है। आज हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, और जो कि हमारे ही ज़िले की जो फेमस जो कि गुजिया है, और गुजिया तो आप जानते ही होंगे। तो हम चल रहे हैं और दुकान में आपको लाइव दिखा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आते हैं वहाँ पे किस तरह से बनाते हैं और वहाँ पे किस तरह से मतलब जो लोग आ रहे हैं और वहाँ पे जो प्राइस है, और आपको हम ले चल रहे हैं। और दोस्तों हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो में बने रहे, मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों और आ चुके हैं हम बिंदनगर, यहाँ गुजिया की दुकान है जो आपको हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, और ये भाई की दुकान है, और आज भाई की दुकान में हम लोग गुजिया खाएँगे और आपको भी दिखाएँगे कि किस तरह यहाँ पर गुजिया इनकी बनती है और कैसा टेस्ट है। आज हम आपको फीडबैक देंगे। और दोस्तों चलते हैं दुकान में और देखते हैं भाई की दुकान कैसे है। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं, फिलहाल शाम हो चुकी थी और इनका जो कि मटेरियल है, देखिए अभी समोसा डाल रहे हैं कढ़ाई में और टिकिया निकाल चुके हैं और समोसे के कढ़ाई में डाल रहे हैं स्लो आंच में। और देखिए समोसा पकाने का तरीका, कढ़ाई को बिल्कुल भट्टी से उतार चुके हैं और स्लो आंच में समोसे को पकाएँगे। और देखिए भाई ने गर्मा गर्म टिकिया भी निकाल रखा है, और आज हम लोग टिकिया हमारा फेवरेट है, तो आज हम टिकिया भी भाई का खाएँगे। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे गुजिया अभी रेडी करके रखे हुए हैं, अभी फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल आंट के माल मतलब जो मटेरियल मिला के, और इसके बाद वो फ्राई करेंगे तेल में, फिर उसके बाद चाशनी में डालेंगे। तो फिलहाल दोस्तों शाम हो चुकी है, थोड़ा भाई से बात भी कर लेते हैं जो बनाते हैं, काफ़ी नर्वस है, आ जाइए। तो थोड़ा क्या नाम है भैया? राम आसरे। राम आसरे बिंद। और इसका जगह का एड्रेस का कुछ बताया? बिंदनगर बम्बई। अगर कोई हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं श्रोता, अगर वीडियो में अगर देखते हैं कि उनको गुजिया खाना है तो उनको आना हो तो इस एड्रेस को आप मतलब बिंदनगर बम्बई के नाम से। और आपका कुछ नाम क्या बताए? राम आसरे बिंद। राम आसरे। अच्छा अच्छा, तो राम बाबू नाम गुजिया वाले, दरोगा गुजिया। दरोगा, हाँ वही मैं कह रहा था, क्योंकि मैं बचपन से नाम सुना था दरोगा गुजिया वाले। हाँ, और यही सुन के मैं आया था। हाँ, कि दरोगा गुजिया वाले बिंदनगर बहुत फेमस है। हाँ, तो आप उनके क्या लगते हैं? लगता है बेटे। अच्छा कितने भाई हैं? चार भाई। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं, और शायद अभी वो नहीं है ना दरोगा जी? नहीं, चला गए। तो दोस्तों जो उनका फार्मूला था जो काफ़ी फेमस था, और वही फार्मूले को आज उनकी पीढ़ी चला रही है, उनके बच्चे चला रहे हैं, और ये उनके लड़के हैं। बड़े हैं आप? नहीं, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर है। तो जो कि वही वेराइटी मतलब वही टेस्ट वही स्वाद और ये दे रहे हैं भैया। और उसके बाद देखिए हम दोस्तों इनसे बात करते हैं क्या रेट और जो इनका है गुजिया का और समोसे का और वो टिकिया का, आप लोगों को इन्हीं के मुँह से सुनते हैं। तो दोस्तों भैया से हम रेट पूछेंगे। भैया और आप क्या समोसा पहले बता दीजिए, समोसा क्या रेट है? 10 रुपये जोड़ा, चाहे टिकिया ले। 10 रुपये में 2 पीस है, और उसी रेट में टिकिया भी है, मतलब 10 का 2 पीस है। और आपका गुजिया का प्राइस क्या है? 20-25। और 20 रुपये है और 25 रुपये है, दोनों में क्या क्वालिटी है? क्या चीज़ वही है, छोटा बड़ा चीज़ है, मतलब क्वान्टिटी बढ़ जाती है 25 में।
और दोस्तों देख सकते हैं भाई की, देख रही है यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, इनके कस्टमर ग्राहक भी देख सकते हैं। तो मैं कुछ लोगों से बात भी करना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कितने दिन से लोग आ रहे हैं और यहाँ काफ़ी भीड़ भी होती है। कितने बजे अपना दुकान का ओपनिंग टाइम बता दीजिए, अगर कोई आता है तो सुबह कितने बजे से आपकी दुकान? 7 बजे सुबह, 7 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो दोस्तों सुबह के 7 बजे से शाम को 8 बजे तक इनकी दुकान ओपन रहती है, कभी भी आपके यहाँ मतलब कोई मतलब फिक्स डेट नहीं है बंद, क्लोजिंग वोलोजिंग ना बंद हो सकता है घटना मतलब? अच्छा अच्छा भैया, अच्छा, कोई इनका फिक्स टाइमिंग नहीं है कि बंद किया जाए, ऐसे ही हाँ इमरजेंसी होगी तभी बंद होती है, लेकिन इनका साल के मतलब हमेशा दिन में खुले रहते हैं, बस ऐसे ही त्यौहार या कुछ खास दिनों में इनको इमरजेंसी होती तभी बंद होती है। और दोस्तों मैं भाई लोग से कुछ बात, शादी पड़ी है एक हफ्ता बंद रहा था। और भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविकांत है। अच्छा रविकांत है, रवि तो रविकांत है। तो इनके यहाँ से कुछ, आप कितना दिन से खा रहे हैं? अरे हम तो जब से पैदा हुए मतलब जब से जानकारी मतलब जब से पैदा हुए, हालांकि दुकान काफी पुरानी है। तो भैया ये कितनी पुरानी दुकान है? 33 साल हमारी उम्र है उसके, जब से जानकारी हो तब तक हम जानते हैं। तो देख सकते हैं ये भाई की दुकान उम्र जो होगी 33 साल है, और ये दुकान भी उनसे भी काफी पुरानी है। तो आप इन्हीं से पूछ लेते हैं कि कितनी पुरानी दुकान है, आपको कुछ लगता है कि कितनी पुरानी दुकान है? अरे हम भाई हम हो जाना थे 40-45 साल। 40-45 साल? अच्छा अच्छा, मतलब 40-45 साल दोस्तों देख सकते हैं पुरानी दुकान है। और हमने भी बचपन में ही सुना था कि दरोगा, आज भी चर्चा होता है वो, हालांकि नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी आज दिन की दुकान जो बिंद्रगर का शायद उन्हीं के नामों से बिंदनगर भी मशहूर है, दरोगा गुजिया वाले। और कहीं भी सुरियाओं में अगल बगल इलाकों में कहीं भी हम जाते हैं तो भैया बिंदनगर का जब नाम आता है तो बोलते हैं दरोगा गुजिया वाले। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अभी गुजिया का इनका पीस भी दिखाएंगे, और फिलहाल जो भाई लोग हैं उन लोगों से पूरी बात कर लेते हैं। तो आपको इनका जो गुजिया का टेस्ट है आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तभी तो खा रहे हैं। और भैया आपका क्या नाम है? अच्छा अच्छा, तो भैया ये थोड़ा विकलांग है, मुँह से बोल नहीं सकते, फिलहाल ये गुजिया ही खाने आए हैं ना। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इनका स्टोर रूम है, और पहले से ही ऑलरेडी तैयार करके रखते हैं, और यहाँ पे देखिए चाशनी में डुबो के पहले से ही रखे रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर होने पे भाई मतलब ये देते हैं गुजिया। और ये कितने वाली है? 25 वाली। तो देख तो देख सकते हैं ये 25 वाली गुजिया है, ठीक उनके लिए है। चलिए ठीक, चलिए लेते हैं, हम आ रहे हैं। देखो तो देख सकते हैं दोस्तों ये इसका इस तरह से बिल्कुल चाशनी में डुबो के रखते हैं, और इसका यहाँ दिन भर ये गुजिया इनका चलता रहता, बिक्री होता रहता है। ले बना तो गाइस देख सकते हैं भाई से हमने 25 वाला गुजिया परचेज किया हूँ, और जो कि क्वांटिटी देख सकते हैं ये काफ़ी 250 ग्राम के आसपास की है, काफ़ी हैवी है इनकी लॉन्ग गुजिया है। और खा के देखते हैं क्या है सीन इनका गुजिया का, और बहुत हार्ड है, क्रिस्पी है और स्पंजी भी है, थोड़ा खा के देखते हैं। वाह बहुत ही अच्छा टेस्ट है और मज़ा भी आ गया दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल चाशनी, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल जूसी है, देख सकते हैं इसमें चाशनी भी अभी निकल भी रही है। अंदर भी इसके देखते हैं मटेरियल क्या क्या डला हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें काफ़ी मटेरियल डला हुआ है, इसमें काजू किशमिश सब कुछ खोया होया जो भी है भाई ने डाल रखा है। तो दोस्तों जब भी खाना हो, अगर आप आसपास भदोही क्षेत्र से हैं तो भाई की दुकान पे अगर बिंद्रगर एरिया में कभी आओ, अगर आना हुआ तो आप विजिट करके देख सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।